जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात, आप सभी लोगों की BSF की एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि आपकी SI की पोस्ट है, आपकी हेड कांस्टेबल की पोस्ट है और कांस्टेबल की भी पोस्ट आपको मिल रही है, जिसमें आपको टोटल जो पोस्ट निकल के आ रही है आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि टोस्ट पूरे पोस्ट हैं ऑल इंडिया की, वो आपके 317 पोस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर देना चाहता हूँ, इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, ना कि सिर्फ फीमेल, यानी कि आप मेल हो तभी अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा नहीं करोगे, यानी कि फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ, इसमें आपके तीन तरह के पोस्ट हैं, जैसे कि SI, हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नोटिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ SI मास्टर, SI इंजीनियर ड्राइवर, SI वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजीनियर ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एंड कांस्टेबल क्रू इन BSF वाटर विंग इन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2020, ठीक है। और जो पोस्ट है, ग्रुप की पोस्ट बात करते हैं, बी एंड सी की पोस्ट है। अब जो पोस्ट है इसके बारे में बताते हैं, जो टोटल वैकेंसीज के बारे में, आपकी एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, फीस पेमेंट। तो सबसे पहले आपकी जो ये फॉर्म है आपको ऑफलाइन फिल करने हैं, और पहली बात यहाँ पर जो ये नोटिस आई है ये आपकी अभी ऑफिस साइट पे नहीं आई है, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, पेशेंस रखिएगा और ये सोचना मत कि हो सकता है कि ये फेक लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2-4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर आपकी ऑफिस साइट पे बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही इसको फिल करना है, कैसे फिल करना है, कहाँ सेंड करना है, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप उसको वीडियो को देख कर आपका फिल कर लीजिएगा, ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो सके। यदि आप SI मास्टर के पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी जो टोटल पोस्ट है, आपकी 5 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 4 है, EWS के 1 है, यानी कि OBC SC ST के लिए बिल्कुल इसमें भी पोस्ट नहीं रखी गई है। इसमें लेवल 6 के हिसाब से 35,400 रुपये लेकर 1,12,400 रुपये तक मिलेंगे, यानी कि अच्छी इसमें सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट आपकी 22 से 28 साल रखी गई है, ठीक है। और इसमें आपको छूट भी मिलेगी, 5 साल 3 साल की छूट मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 10+2 होना ही होना चाहिए, प्लस इसके साथ अगर सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशू बाय इन द सेंट्रल या स्टेट लेवल का मरीन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मरीन डिपार्टमेंट क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन बट जो किए होंगे SI मास्टर होंगे, मरीन ड्राइव उनका सर्टिफिकेट होगा, यानी कि सेकंड क्लास से आप किए, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ SI इंजन ड्राइवर की, तो टोटल पोस्ट में 9 है, और इसमें भी आपको 1,12,400 रुपये मिलने वाली है, 12 से 28 साल 3 साल 5 साल की छूट इसमें भी मिलने वाली है, यानी कि 10+2 होना ही होना है। उसके साथ आपको फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद आप, यानी कि जिस स्टेट्स में आप उसको अप्लाई कर रहे हो, उस स्टेट की आपका डिप्लोमा होना ही होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो नहीं आप उसको अप्लाई कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कोई बस आप बारहवीं है तो भी अप्लाई करिए, नहीं, आप बारहवीं के साथ साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए। SI वर्कशॉप पे आप करते हो तो 3 पोस्ट है, इसमें भी 1,12,400 रुपये तक इसमें मिलने वाली है। एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल की है। इसमें आपकी बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और 3 ईयर का डिप्लोमा इसमें होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, ठीक है। उसके बाद हेड कांस्टेबल में आपकी यहाँ पर 56 पोस्ट दी गई है, या इसमें आपके 10th पास होना चाहिए। सरेंग सर्टिफिकेट भी आपको इसमें होना चाहिए, सरेंग, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। सरेंग क्या होता है आप जानो जो इन किए होंगे, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की बात करते हैं, जिसमें टोटल पोस्ट आपकी 68 पोस्ट मिल जाती है, इसमें भी आपको 81,100 रुपये तक मिलेंगी, जिसमें कि एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल रखी गई, आपको 10th पास होना चाहिए, फिर आपकी पासिंग इन सेकंड क्लास इंजन ड्राइविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद आपकी हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए, यानी कि इसमें आपसे मैकेनिक आपको डीजल पेट्रोल इंजन में आप अप्लाई करते हैं, तो आपको इसमें 10वीं के साथ साथ आपको जिस ट्रेड में अप्लाई करें, चाहे इलेक्ट्रीशियन में, चाहे AC हो, चाहे कारपेंटर हो, प्लम्बर में, इन सब में आपको ITI होना चाहिए चाहिए, ठीक है। और आपका कांस्टेबल क्रू यानी कि 160 इसमें पोस्ट दिए गए हैं, आपको 10th पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑपरेशन इन अ बोट ब्लू 265 SP एंड, यानी कि आपकी शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर, यानी कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए विदाउट एनी असिस्टेंट, यानी कि वहाँ पर आपको तैरने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी सुविधा नहीं जाएगा, आपको तैर
कर ही आना है, यानी कि जो वहाँ पर आपको बताया जाएगा उसके बाद फिर फॉलो करना है, यानी कि इस पार उस पार आना होगा, ठीक है। इसके बारे में होना चाहिए, एक कौशल क्रियो के लिए है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस पोस्ट में आपको, उस पोस्ट में आपको कम से कम RTI या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। और 10+ वैकेंसी एक्स सर्विस मैन के लिए रखी गई है, और इसका लास्ट डेट 30 दिन तक, यानी कि जब फॉर्म निकलेंगे तो 30 दिन के अंदर आपको उसको फिल करके ऑफलाइन जमा कर देना है। फीस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर के द्वारा 200 रुपये लगेंगे, SI मास्टर, SI वर्कशॉप, SI इंजन ड्राइवर एंड 100 रुपये फीस आपको लगने वाले हेड कास्टम मास्टर, हेड कास्टम वर्कशॉप एंड हेड कास्टम इंजन ड्राइवर और कास्टल क्रू के लिए आपको 100-100 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। फी वंस पेड विल बी नॉट बी रिफंड, यानी कि अब फीस पेमेंट करना है तो आपको फीस पे आपको वापस नहीं किए जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट पे रखी गई, इसके ऑफिशियल साइट पे आपके एडमिट कार्ड भी दिए जाएंगे और इसका एडवर्टाइजमेंट भी आपको बहुत जल्द ही आपके ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा, आपके फॉर्म के साथ आएगा। जैसे आता है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा कैसे आपको फिल करना है, आपका एडमिट कार्ड यानी कि आपके फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।